बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा करते हैं जुनूम मीदा चलो ठीक होंगे जी। तो आगे ही जो है ना, इस मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और वो सिर्फ किसी और की वजह से नहीं, वो हमारे अपने ही गुनाह है जिनकी वजह से इतना ज़्यादा इस हमारे मुल्क के अंदर नुकसान हुआ है जी। और जो है ना, अभी फिर से जो है ना, बारिश होना शुरू हो चुकी है जी। ये देख सकते हैं, हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, लेकिन अल्लाह से हमारी यही सिर दुआ है, यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत वाली बारिश करे, ना कि कोई अजाब वाली, ना कोई अस्तग़फिरुल्लाह का कोई काम ना हो, और अल्लाह ताला की ज़्यादा इस बारिश को रहमत वाली बारिश बनाए, ना कि गरीब आवाम के लिए कोई बोझ बने। तो अल्लाह से ही दुआ है, लेकिन आती पता नहीं कितनी की देर है, लेकिन अल्लाह से ये दुआ हर वक्त करनी चाहिए कि यह जो है ना, बारिश अजाब वाली ना, अल्लाह की रहमत लेके उतरे, और जितने भी सैलाब ज़्यादा लोग हैं उनकी अल्लाह ताला गया बना मदद फरमाए। आप आसमान पे भी देख सकते हैं, फुल ज़ोरों शोर से जो है ना, बादल बन चुके हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, और उम्मीद है कि बारिश जो है ना वो आएगी, मौसम ऐसा बता रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन पहले हम बहुत खुश होते थे जब बारिश आती थी, हम जी बारिश में नहाएंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन अब जो है ना, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि ये रहमत वाली बारिश आए, और जो है ना, जो लोग सैलाब में मुतला हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है मदद फरमाए, बस हम यही कह सकते हैं। और लें जी, अभी हम खाने लगे हैं जी गुड़ वाले चावल, गुड़ वाले चावल हैं, और साथ है जी नमकीन चावल, दोनों को मिक्स करके हम खाने लगे हैं। गुड़ वाले चावलों का जो है ना वो अपना ही मजा है, ये देख सकते हैं, ये गुड़ वाले चावल हैं, वाह। तो ये दोनों मिक्स करके हम खाने लगे, क्योंकि मीठा हमारे से डायरेक्ट खाया नहीं आता, मीठे होते हैं ना, तो इस वजह से हम दोनों मिक्स करके तो खाने लगे हैं। तो अभी हम मज़े करते हैं और खाते हैं, एक प्लेट दे ना, समझना दोनों मेरी हैं, एक घर वाले की एक मेरी है, तो अभी हम बैठ करते हैं। और लें जी अलहमदिल्ला, खाना खा लिया, खाने खाते साथ ही हमारे आ गई है जी चाय। तो अभी हम इधर बैठ के तो चाय पीते हैं, और साथ ठंडी ठंडी हवा इंजॉय करते हैं। बारिश जो हो रही थी वो तो ये रुकी है जी, रुक चुकी है जी, ये देख सकते हैं, बारिश अब बिल्कुल रुक चुकी है, लेकिन बादल जो है ना वो तो आसमान पे फुल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश रुक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम इतने ठंडे मौसम में बैठ के साथ चाय पीते हैं, साथ इंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, कितने दिन हो गया मामा को मुझे बोलते हुए कि जो ना छत पे चढ़ के छत पे सफाई का, जो छत बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं ये किचन का छत भी काफ़ी ज़्यादा गंदा, और इधर भी ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। तो मैंने कितने दिन से बोला था, और मैंने कल बोला कि इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर कर दूँगा। और एक और बात कि ये जो कपड़ा हमने लगाया हुआ है छाँव के लिए, ये लगता नीचे छत के साथ, और छत के साथ लगता है ना, तो छिपलियाँ छत के साथ जो होती हैं तो उसके कपड़े के ऊपर भी चली जाती हैं, और रात को जब हम बाहर सोते हैं तो फिर हमारे ऊपर गिरने का भी उसका खतरा होता है। तो इसी वजह से जो है ना, इसको भी थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे, ऊंचा खुद भी खुद बहुत हो जाएगा, तो ये फिर नई जो है ना छिपकलियाँ इसके साथ जो है ना नीचे जाएंगी। तो पहले सबसे पहले जो है ना हम इसको टाइट ही कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना वो हम चालू करेंगे, पहले इसको टाइट कर लेते हैं, इधर से टाइट करेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ से गीले मैंने बहुत ही ज़्यादा लगाई हुई हैं, और अभी खोलते हैं और फिर करते हैं। अले जी अलहमदिल्ला, जो है ना वो हमने टाइट कर दिया, और अभी आप देख सकते हैं छत से काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, फर्क आ चुका है, आप छिपकली जो है ना इसके साथ नहीं जा सकेगी। और हमारे घर में तंबूर है ना वो बहुत ज़्यादा थे, और मैं हम सोच रहे थे कि आते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं, हमें पता नहीं चल रहा। और इधर उन्होंने घर बनाया हुआ, ये देख सकते हैं इधर छत पर कितने ज़्यादा हैं, ये देखें, ये इनसे तो बहुत ही ज़्यादा खतरा आता है, ये तो हमें लड़के तो गए, इतना ज़्यादा जहरीला ये होता है ना इसके साथ बाहर, और पता नहीं क्या क्या होता है। और ये इधर जो है ना ला चुके हुए हैं, तो इसका एक ही हल है कि जो है ना इसके वो किया जाए, स्प्रे की जाए या आग लगाई जाए, तो इधर से भाग जाएंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं भागेंगे, वो हमने नहीं ऐसे नहीं लगानी आग, वो खुद ही जो है ना यार वो जो है ना खुद ग्लव्स वगैरह लगा के तो फील करनी पड़ेगी,
तो वो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल जो है ना हम जल्दी से इधर सफाई करते हैं और नीचे चलते हैं, ये ना हो कि हमें लग जा जाए। काफ़ी ज़्यादा है अंदर मिट्टी है ना, इस वजह से काफ़ी ही ज़्यादा है। तो अभी हम जल्दी से सफाई करते हैं, नीचे चलते हैं। जी अलहमदिल्ला सफाई जो है वो हमने कर दी है। तो अभी ये तो रहा है जी गंद का भरा, अभी हम ये नीचे फेंक देते हैं। ये गया जी, अभी आज जा रही और ये भी नीचे फेंक देते हैं। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, किस चीज़ से? इस चीज़ से, ये तो मोड़ा है उस चीज़ से, जब इस चीज़ से डर लग रहा था कि ये लड़की ना अगर मुझे तो बाहर चढ़ जाता है, इनके लड़ने से तंबूर जो होते हैं, तो इसी वजह से हम अभी नीचे चलते हैं जल्दी से, डर लग रहा। मामा जी, मामा तंबूर भला कितों आते हैं? हाला जी ये जी कंध नहीं एट सुराह तंबूर उतर गया, तंबूर ही तंबूर बचों निकले हैं, उतों आते जी तंबूर ओतल नुक्कर नहीं जी छाती साढ़े तो की जी छाती नुक्कर कोल करके हाला जी की कंध के बच्चे फिर हूँ डांस करो वो कट कट रहे किन्ने बड़े जे थोड़े ना ककरा पूरा बनाया था मैंने मिट्टी की चनाई होनी है, मिट्टी की चनाई के बच्चे उन्हें कर ली होनी जगह उदा एक हल है वे बंदा कमरे शमरे बंद करके ते बंदा जरा अगला आके ना उथे ते फटाफट थले नस आए पेट्रोल सुट के माश दी ला के अगला वो मैं सुदाम वेखा तो मैं फटाफट किचन का छत साफ करके थले आ गया। अलग जी अभी जो है ना मैं मामा को तंबूर जो होते बने हुए हैं ना खतरा बनाया घर बनाया उनके बारे में बता रहा था और मामा फुल परेशान हो चुकी हैं कि अभी उनको पता चल चुका ना कि इधर से आते हैं और अभी उनके दिन में रहना है यार इधर से ही आते हैं इधर से ही आती हैं तो इनको खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय खत्म किया जाए। तो मैंने बोला कि इनको खुद फुल लड़ा आकर फिर ये दम होंगे तो देखें क्या कहते हैं क्या नहीं। तो अभी फिलहाल धूप लेने के लिए जाने लगे हैं जी हम। हालां जी अलहमदिल्ला दूध जो है ना वो हम ले आए। हालां जी अलहमदिल्ला अभी हम करने लगे हैं जी नाश्ता। तो नाश्ते में हमारे पास है जी परांठा और साथ है जी दाल चने किया और ऊपर चाट मसाला डाल के आए हर क्या ही मज़ा आएगा चाट मसाला डाल के खाने का। तो अभी हम जल्दी से खाते हैं और मज़े करते हैं। सुबह से जो है ना मैं बिल्कुल ठीक था जो है ना, अभी मैं नमाज से पहले तो उधर सो गया था और मुझे जो है ना मैं आधे घंटे बाद उठ गया हूँ और उठाऊँ तो मुझे सारे में धब्धबू शदीद होने लग पड़ी है। तो अभी फिर थोड़ी देर के लिए सोएंगे तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो अपने मैं कच्ची नींद उठ गई है उस वजह से हो रहा है। तो अगर फिर दोबारा सोएंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ठीक हो जाएगा। तो अभी जो है ना हम जाने लगे जी भाई खाना देने के लिए चलते हैं जाके भाई साहब देख लेते हैं। बटे लैन दीजिए हमें कितने बजे बजे स्टूडेंट ਕਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੈ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਅਲੈ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਬੀਅਤ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਜਿਸਮ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ या वजह के गर्मी ज़्यादा होने की वजह है तो या फिर जो है ना ये सैलाब की वजह से जो हुआ है ना बीमारी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सैलाब आया वहाँ वहाँ जो है ना ये सी बीमारी फैल रही है जिसम जिसम दर्द करने की शायद उस हवा की वजह से मौसम की चेंजिंग वगैरह की वजह से जो है ना क्योंकि अभी मौसम चेंज होना है ना अभी सर्दियों में कन्वर्ट होना है तो इस वजह से मौसम की चेंजिंग की वजह से जो है ना ऐसे हो रहा है। तो वैसे भी हमारे इधर नज़दीक है तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर दूर है जो हेड मडल है तो उधर भी कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना ऊपर आ चुका हुआ है बस कि जो इनका लेवल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हुआ है और इधर भी सैलाब आने के खतरात हैं। लेकिन हमें याद है कि 2010 की या शायद बात नहीं है कितन कब की बात है कि तब भी मौजूद मिलान हुए थे कि आप सब अपने अपने छतों पर जा जल्दी सैलाब आ जाएगा अपना अपना ज़रूरत के मुताबिक सामान उठा रहे हैं। तो वो अल्लाह का शुक्र हुआ था कि हमारे जो इधर एरिया ना हमारा एरिया इधर नहीं था लेकिन हमारे साथ सब जो एरिया उधर आ गया था लेकिन इधर नहीं था आया अल्लाह का शुक्र है।
तो आगे पता नहीं क्या होता है या नहीं होता, उसकी वजह से जो है ना तबीयत सबकी डाउन है। तो बस इंशाल्लाह बस ठीक हो जाएगी थोड़ी देर तक। तो बात जी अभी शाग वो अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार अभी असर की नमाज का टाइम होने वाला है तो असर की वजू करते हैं और असर की नमाज पढ़ लेते हैं। तो बात जी आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, आगे मुझसे नहीं बोला जा रहा, तो आज का व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने माँ पूछ के कुछ भी चुने हैं और